जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। माधोगढ़ कोतवाली परिसर का रखरखाव, साफ सफाई, मालखाना, दस्तावेज, कंप्यूटर कक्ष, मिशन शक्ति, महिला सशक्तिकरण कार्यालय, सीज किए हुए वाहन आदि का बारीकी से निरीक्षण किया एवं कस्बा माधोगढ़ में पुलिस दलबल के साथ पैदल गश्त कर आम जनमानस को कराया सुरक्षा का एहसास। अराजकता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी भी प्रकार का संदिग्ध अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, चोर लुटेरों मंचलों पर चलाया जाएगा जोरदार हंटर। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र अधिकारी माधोगढ़ कोतवाली प्रभारी कोतवाली परिसर का समस्त पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। पुलिस अधीक्षक इराज राजा ने अपने सभी अधीनस्थों से कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर कानून व्यवस्था बनाने को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए निर्देश दिए। माधोगढ़ संवाददाता सुमित तिवारी एवं अजीत उपाध्याय की रिपोर्ट। माधोगढ़ में सबसे पहले पैदल गश्त किया गया। पैदल गश्त हम लोग का रूटीन है, जो कि सभी अधिकारीगणों द्वारा, सभी थानों के द्वारा पैदल गश्त डेली किया जाता है। शाम के समय जनता में से अच्छा संवाद स्थापित करने के लिए एवं सुरक्षा के दृष्टिगत भी, तो उसी के क्रम में आज माधोगढ़ में पैदल गश्त किया गया। उसके उपरांत माधोगढ़ कोतवाली में आके कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे और थोड़ा सा मैं यहाँ क्षेत्र के बारे में थाना अध्यक्ष से और सीओ साहब से जानूंगा। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।